हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम्स के फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको हमारे वेबसाइट नोट्स कार्ड पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपके डिप्लोमा कोर्स से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको घर पे बैठे मिलेगी। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है एंजाइम की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड IUB एंड MB क्लासिफिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम इनहिबिटर्स, थेरेप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस ऑफ एंजाइम। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स की। व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स का जो नाम है वो आपने सुना होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट जरूरी होते हैं, प्रोटीन जरूरी होते हैं, विटामिन जरूरी होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए एंजाइम्स भी जरूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी भी आपके अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, वो सारा का सारा एंजाइम्स ही हेल्प कराते हैं। तो एक बार नॉर्मल देख लेते, बेसिक समझ लेते, उसके बाद प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो बायो कैटेलिस्ट होते हैं। अब कैटेलिस्ट आपको पता होगा, कैटेलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको बढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटेलिस्ट। और बायो क्यों बोला गया है, बायो कैटेलिस्ट बायो क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये कहां पे मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। उसके बाद एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो बायोलॉजिकली सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि नेचुरली भी आप इनको अकर कर सकते हो और सिंथेटिक भी आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शंस होता है वो क्या होते हैं? जैसे मैंने अब बताया कि ये क्या करता है, कैटेलिस्ट के रूप में फंक्शंस करता है, जिससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और उसमें कोई भी, उस प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटेलिस्ट के स्पीड को बढ़ा देते हैं, बट विदाउट इटसेल्फ बीइंग चेंज इन द प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो जो प्रॉपर्टीज है, एंजाइम जो है स्पेसिफिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ा देंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट, इनकी जो एक्टिविटी, जो ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, उसका जो पीएच है वो 6 to 8 पीएच, यानी कि ऑप्टिमम पीएच 6 to 8 पर ये क्या करेंगे, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं और हाई मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, कैटेलाइज बायोकेमिकल्स रिएक्शंस कराते हैं सेल्स में। उसके बाद ये ब्रेक डाउन, लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड अप करके ये एक लार्ज मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही काम करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम जो है वो कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करती है, ये क्या करते हैं, ये जस्ट सिर्फ उसकी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करता है, एक्सीलरेटिंग करने में हेल्प करते हैं, यानी कि बढ़ाने में, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी स्पीड अप करने में उसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है मोस्टली पेपर में, एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, एंजाइम को क्लासिफाई कीजिए। ठीक है, तो जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बाई IUB सिस्टम। अब IUB सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। IUB सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा एंजाइम्स होते हैं वो 6 मेजर पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी कि इसके जो क्लासेस हैं वो कितनी है, 6 है। स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज नेम से डिफाइन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो ये वो एंजाइम की क्लासेस होती हैं जो क्या कराती है, ऑक्सीडेशन भी कराती है रिएक्शन में और रिडक्शन भी कराती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि अल्कोहल और डिहाइड्रोजिनेज।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एंजाइम है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, एंजाइम को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होते हैं, एंजाइम जो होते हैं जिसके साथ भी वो बाइंड अप होते हैं तो लास्ट में उनके क्या आ जाता है, एज आ जाता है। एज का मतलब होता है कि हाँ ये एंजाइम है, ठीक है। जैसे अगर माल्टोज पे हो रहा है तो माल्टेज, तो ये क्या हो गया, एज क्या है, हमारा एंजाइम है जो माल्टोज पे एक्ट कर रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है कि कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें आते हैं ट्रांसफीरेज। ट्रांसफीरेज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो क्या करेंगे, किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफीरेज। जैसे कि फॉस्फोराइलेज, एग्जाम्पल में क्या है, फॉस्फोराइलेज। थर्ड इसमें आता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब हाइड्रोलाइसिस, यानी कि ऐसे एंजाइम या ऐसे एंजाइम की कैटेगरी जो क्या कराएगी, कंपाउंड, वेरियस कंपाउंड में हाइड्रोलाइसिस कराएगी। एग्जाम्पल के लिए क्या है, लाइपेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइएज। लाइएज क्या होता है, लाइएज का मतलब होता है एड एटम, या तो आप एटम को एड कर रहे हो या फिर रिमूव करवाए या फिर क्या कर दे, फ्रॉम ए डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड से क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड लाइएज, ठीक है। तो एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड लाइएज। एग्जाम्पल में है एल्डोलेज, ठीक है, ये क्या कराएगा, एड भी कराएगा और रिमूव भी कराएगा। नेक्स्ट हमारा आता है फाइव, आइसोमीरेज। आइसोमीरेज का मतलब होता है रीअरेंज एटम, ये क्या करता है, ये एटम के ग्रुप को क्या कर देगा, रीअरेंज कर देगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो अभी रिएक्शंस है उसमें जो भी एटम्स होंगे उनको रीअरेंज कर देगा, एक जगह से दूसरी जगह कर देगा, उनका शेप चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का आइसोमीरेज है। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, आइसोमीरेज एंजाइम कैटेलाइज द स्ट्रक्चर शिफ्ट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट कर देता है या फिर उनके शेप को चेंज कर देता है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो फॉस्फोट्रायोज आइसोमीरेज। नेक्स्ट हमारा आता है लाइगेज। लाइगेज में क्या होता है, इसमें हम यूज एटीपी टू कंबाइन मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, एटीपी को कंबाइन कराते हैं मॉलिक्यूल्स में, जिससे कि रिएक्शन क्या हो, फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। तो द लाइगेज एंजाइम आर नोन टू चार्ज द कैटेलाइसिस ऑफ ए लाइगेशन प्रोसेस, यानी कि ये क्या कर देगा, जितना भी एटीपी उसमें यूज होगा उसको क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें बताने हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है टेम्परेचर, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन होता है एंजाइम के लिए, यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन में एंजाइम वर्क करता है तो उसके लिए टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑप्टिमल टेम्परेचर रखते हैं। ऑप्टिमल का मतलब जैसे जैसे उनको ज्यादा हाई चाहिए होगा वैसे वैसे वो अपना हाई टेम्परेचर कर लेंगे, जैसे उनको लो चाहिए होगा वो लो कर लेंगे। बेस्ट फंक्शन करने के लिए इनको टेम्परेचर की नीड पड़ती है। अगर हमारे एंजाइम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। बट अगर क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ रहा है तो जो हमारा एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा और थोड़ी सी देर में वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो एक लिमिटेड सेट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। सेकेंड इसमें आता है पीएच। पीएच भी क्या है, ऑप्टिमल पीएच लेवल होता है एंजाइम को फंक्शन अच्छा करने के लिए। और जो हमारा पीएच होता है वो एंजाइम के शेप पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। इसको क्या करता है, बाइंड करने से आपका जो एक्चुअली होता क्या है कि जो पीएच होता है, पीएच की वजह से जो हमारा एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और उसकी एक्टिविटी में क्या कर देता है, प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। तो अगर हमारा जो पीएच होगा वो क्या होगा, इफेक्ट करेगा उसकी शेप को, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी क्या है, वो लेस हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि जब तक हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होगा तब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और एंजाइम कैसे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं, वो वैसे ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं जो उसके शेप में होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लॉक एंड की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट इसमें आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर आप उसको सेट कर लेते हो देन ओके, अगर आप उसको सेट नहीं कर पाते हो तो एंजाइम सैचुरेटेड हो सकते हैं और रिएक्शन रेट लेवल उनका ऑफ हो सकता है।
एक पॉइंट से आगे, ठीक है, क्योंकि हर पर्टिकुलर एंजाइम का जो टेम्परेचर का भी एक लिमिट है, टेम्परेचर भी सेट है, पीएच का भी एक लिमिट है, जैसे 6 से 8 मैंने आपको बताया, ऐसे ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उससे आगे अगर आप जाते हो तो वो क्या हो जाएगा, या तो सैचुरेटेड हो जाएगा और उसका रेट रिएक्शन लेवल क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम कंसंट्रेशन, अगर हमारा क्या है एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, और इसका सेम पॉइंट रहेगा कि अगर आप उसको एक पॉइंट से आगे लेके जाते हो तो रिएक्शन रेट लेवल ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है इनहिबिटर। अब इनहिबिटर क्या होते हैं ये भी हमें पढ़ना है। आपने एंजाइम और सबस्ट्रेट पढ़ लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कुछ रिएक्शंस में हमें इनहिबिटर की भी जरूरत होती है। ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं और क्या करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं, जिनको हम इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, जिसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में क्या रहता है, आपस में कंपटीशन रहता है, ठीक है। सपोज करो अगर एंजाइम हमारा है और यहाँ पे तो हमारे पास दो हैं, एक सबस्ट्रेट को भी एंजाइम के साथ बाइंड होना है और एक इनहिबिटर को भी यहाँ पे बाइंड होना है, ठीक है। तो इन दोनों में, किसमें, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में क्या रहता है, कंपटीशन रहता है, बट बाइंड वही होगा जिसकी एक्टिविटी, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होगा और प्रोडक्ट बनाएगा। अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड होगा बट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि अगर एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड होता है तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इनमें कॉम्पिटिटिव भी इनहिबिटर होते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी होते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है इन दोनों में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा। क्या होता है, होता क्या है कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और उसके बाद जहां पे भी इनहिबिटर को जगह मिलेगी वो वहां पे अपना बाइंड हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है रिएक्शंस को परफॉर्म कराने में, उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर मेटल आयंस भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये पर्टिकुलर एंजाइम में प्रेजेंट नहीं है तो एंजाइम, अगर ये पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं होते जिसमें इनकी नीड होती है, तो एंजाइम भी फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। तो यानी कि ये 6 फैक्टर हैं जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, जो हमें मेंटेन करके रखने होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम कैन बी ब्रेक डाउन इनटू सेवरल स्टेप्स। यानी कि जो हमारा एंजाइम्स होता है वो किस टाइप से वर्क करता है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को तोड़ते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाता है। तो अब हमें देखना है कि वो किस टाइप से बाइंड होता है, किस टाइप से वो प्रोडक्ट बनाते हैं और किस टाइप से फिर वो दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है बाइंडिंग से। बाइंडिंग में होता क्या है, ऑरली समझते हैं, जैसे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, आपको इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप अपना ये नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे कि जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एंजाइम और सबस्ट्रेट, अगर इनहिबिटर ऐड होता है, एंजाइम और इनहिबिटर बाइंड अप होते हैं तो वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फर्स्ट हमारा आता है बाइंडिंग, यानी कि जब हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका नाम है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो सबस्ट्रेट की, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट फिट हो जाता है लाइक लॉकेंड की। जैसे कि आपने देखा होगा ताला और चाबी, तो ताला चाबी वही लगेगी जो उसकी एक्चुअल होगी, ठीक है। आप किसी भी पर्टिकुलर ताले में किसी और चाबी को यूज नहीं कर सकते हो, तो सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। होता क्या है मोस्टली कि इसमें क्या होता है, सपोज करो हमारे पास ये एंजाइम है, ठीक है, ये आपने थ्योरी पहले भी पढ़ी होगी, 12th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। और हमें क्या करना है, सबस्ट्रेट को बाइंड करना है, तो हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रॉपर हमारा एंजाइम के शेप का होगा, जो इसमें क्या हो जाए, फिट हो जाए, ठीक है। अगर एंजाइम की शेप अलग होगी तो, और सबस्ट्रेट की शेप अलग होगी तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा,
ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाइंडिंग होते हुए एंजाइम की जो शेप होगी वहीं पे ही हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होगा, यानी कि इसकी जो एक्टिव साइट होगी वहीं पे ये बाइंड होगा, जैसे कि आपका लोकेंड की। तो इसमें क्या होता है, एक थ्योरी भी आई थी लोकेंड की थ्योरी, जिसमें यही बताया गया था कि जो हमारा एंजाइम होता है और जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, तो जो एंजाइम का शेप होगा वही सबस्ट्रेट का शेप होना चाहिए, जिससे वो आपस में फिट हो जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड इसमें आता है कैटेलाइज। कैटेलाइजिस क्या होता है, कैटेलाइजिस मैंने आपको बताया ये बायो कैटेलिस्ट होते हैं ना, तो बायो कैटेलिस्ट में भी क्या होता था, कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता था, जो आगे प्रोसीड करे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाइंड हो जाते हैं तो जो एंजाइम कैटेलाइज होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस फॉलो अप कराने में हेल्प करते हैं, स्पीड अप कराने में हेल्प करते हैं, जिसमें हमारा जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होंगे। शर्त क्या रहेगी, सबस्ट्रेट वही बाइंड होगा जो एंजाइम के शेप का होगा, जो उसमें अच्छे से फिट हो जाए। सेकेंड हमारा है कैटेलाइजिस। कैटेलाइज बायो कैटेलिस्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि इनको क्या कर देंगे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आगे फर्दर कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, थर्ड इसमें आते हैं रिलीज। अब रिलीज का क्या मतलब है, सपोज करो यहाँ पे ये जो है हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद, एक बार रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, जो भी हमारा एंजाइम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिलीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसको आगे की प्रोसेस करनी है, आगे भी किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होना है और प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मोस्टली आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एंजाइम एक्टिव साइट, यानी कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होगी वो प्रोडक्ट उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जो हमारा एंजाइम अभी फ्री हुआ है वो फिर से किसी सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और ये प्रोसेस प्रोडक्ट बनाएगा और ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है इसमें, अगर जो हमारा एंजाइम्स है वो किसी अदर सबस्ट्रेट के साथ कंज्यूम नहीं हुआ तो उसको यूज नहीं करना है। मतलब हमें यही चीज नोट डाउन करना है कि अगर एक बार एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम उसको फिर कंज्यूम और उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो रिएक्शंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म में आता है एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, ये एक टाइप का मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड होता है और ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा बल्कि उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनहिबिटर्स काफी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, रिवर्सिबल इनिबिटर और नॉन रिवर्सिबल इनिबिटर। कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स क्या होते हैं, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स वो होते हैं जिसमें इनिबिटर और सबस्ट्रेट में आपस में क्या रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है। ठीक है, बट बाइंड वही होगा जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और प्रोडक्ट तभी बनेगा जब सबस्ट्रेट बाइंड होगा। अगर इनिबिटर बाइंड होता है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इरिवर्सिबल इनिबिटर्स क्या होते हैं, ये कोवेलेंटली बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ और उसके बाद परमानेंटली के लिए उनको क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम इनिबिटर आर कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिंस टू टारगेट स्पेसिफिक एंजाइम इन्वॉल्व इन डिजीज प्रोसेस एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। यानी कि एंजाइम इनिबिटर्स का जो कॉमनली यूज होता है वो मेडिसिंस में पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट करने में, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करने में और पेस्टिसाइड्स का डेवलपमेंट करने में किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं इनिबिटर एंजाइम मिलके तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें क्या है, पर्टिकुलर कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हमें इनिबिटर का यूज भी करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थेरेप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस ऑफ एंजाइम, यानी कि थेरेप्यूटिक और फार्मास्यूटिकली एंजाइम का क्या इंपोर्टेंस है। तो फर्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एंजाइम क्या करता है, मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसको प्रॉपर कंडीशन में करवाने में हेल्प करता है।
जैसे कि ब्रेकडाउन ऑफ शुगर एंड लिपिड्स, लिपिड्स और शुगर का ब्रेकडाउन करने में हेल्प होता है। दूसरी बात, किसी भी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने में इसका यूज होता है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया। नेक्स्ट इसमें आता है कैंसर। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका जो यूज होता है वो ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में होता है कैंसर सेल्स के लिए, यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका यूज कैंसर को ठीक करने में भी किया जाता है। ठीक है, मेनली क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया है यहाँ पे EGFR होता है, ठीक है, ओवर एक्सप्रेस्ड है, जो क्या करता है पर्टिकुलर टाइप के कैंसर्स को ठीक करता है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे ऐसे कैंसर सेल्स डेवलप हो जाती हैं जो टारगेटिंग पॉइंट पे रहती हैं, तो उनको भी ये क्या करते हैं ठीक करता है। नेक्स्ट इन्फ्लामेशन, एंजाइम का जो रोल होता है, जो इम्पोर्टेंस होता है, वो इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करने में होता है, इन्फ्लामेशन को ठीक करने में होता है, जैसे कि रूमेटोइड अर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, तो ये इन्फ्लामेशन में भी यूज होता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ ड्रग। सिंथेसिस ऑफ ड्रग का क्या मतलब है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका यूज ड्रग की सिंथेसिस में भी किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एंजाइम का ही एग्जाम्पल अगर मैं लूं, तो पेनिसिलिन एमाइलेज एक टाइप का एंजाइम होते हैं जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या है, एंजाइम का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है इनके ग्रोथ, इनके डेवलपमेंट में भी रहता है, इनके सर्वाइवल कंडीशन में भी रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो एंजाइम है एसिटाइल कॉलिन ईस्टरेज, जो क्या करता है पेस्टिसाइड के डेवलपमेंट को टारगेट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीबायोटिक्स। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उनकी सर्वाइवल कंडीशन, उनके डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसमें भी ये क्या करता है हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेम से डिफाइन हो रहा है कि इसमें क्या करेंगे, हम एंजाइम को रिप्लेस करेंगे। तो कुछ ऐसे डिजीज हो जाती है जो एंजाइम की कमी, एंजाइम की अब्सेंस की वजह से होती है, जैसे गॉचर डिजीज, फैब्री डिजीज, पंप डिजीज। तो इस डिजीज में क्या होता है, इस टाइप की कंडीशन में, इस टाइप के डिसऑर्डर में क्या होता है, एंजाइम जो मिस एंजाइम है, यानी कि जो एंजाइम अब्सेंस है, उसको क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंजाइम एंड क्लासिफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल। मैं आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, आप एक्सरसाइज में इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म फॉर एंजाइम इनिबिशन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एंजाइम इनिबिशन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द थेरेप्यूटिक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम। इसमें आपको बताना है थेरेप्यूटिक और इम्पोर्टेंस क्या है एंजाइम की। नेक्स्ट है व्हाट इज एंजाइम इनिबिटर एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम इनिबिटर और सबस्ट्रेट क्या होता है, ये आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसमें हमें पढ़ना है विटामिन के बारे में, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, सोर्स, केमिकल नेचर, फंक्शन, को एंजाइम, रिकमेंडेड डायट्री रिक्वायरमेंट, डेफिशिएंसी, डिजीज ऑफ फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जरूर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव any query and question, then ask me in comments box. Thank you so much.